Hello students, welcome to online class. Today I am going to start your chapter 7, Introduction to HTML. In your earlier classes, you have learned about the internet. आप अपनी last classes में internet के बारे में पढ़ चुके हैं. The internet is a huge network of interlinked computers. इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आपके कंप्यूटर से इंटरलिंक्ड होता है. टू सर्व द नेट, टू चेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट, यू नीड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर विच इज़ अ ब्राउज़र लाइक द इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम. द ब्राउज़र सेंड योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर विच सेंड्स बैक द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द ब्राउज़र इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस. आपका कंप्यूटर आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराता है. यहाँ कई सारे ब्राउज़र होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स. सो आप उस पर यूज़ करके कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं. अ सर्वर इज अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इज रिक्वायर्ड टू रन अ वेबसाइट. एक सर्वर एक होता है आपका, आप वेबसाइट को रन कराने के लिए होता है. अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ वेब पेजेस एंड दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग HTML. वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं और ये वेब पेजेस HTML के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं. A web page can consist of text, sound, images, videos, etc. एक web page में text, sound, images, videos ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें along with hyperlinks to the other web page और इसमें hyperlink भी होते हैं. What is HTML? HTML क्या होता है? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML को हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग और राइटिंग अ वेब पेज यूजिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट. एवरी वेब पेज इज एक्चुअली एन HTML फाइल विद एन एक्सटेंशन .htm और .html. आपका किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है और HTML की एक्सटेंशन होती है .htm या .html. यूजिंग HTML यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी डिस्प्लेड ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. HTML का यूज़ करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब में डिस्प्ले होगा. हाइपर टेक्स्ट रिफर्स टू द वे इन विच डिफरेंट वेब पेजेस आर लिंक टूगेदर. हाइपर टेक्स्ट में आप डिफरेंट वेब पेजेस लिंक्ड होते हैं. The links available on web pages are called hypertext. आपकी जो web page पर जो link available होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Hypertext. HTML is a markup language which means that you use HTML in simply to mark up a text document which text and which tell the browser, web browser, how to display the text. It is not a programming language. HTML जो होता है आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है. इट इज़ ओनली टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ हाइपर टेक्स्ट. HTML आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके जो कंटेंट्स हैं वो किस तरह से शो होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में. फीचर्स ऑफ HTML. अब HTML के फीचर्स हैं कुछ. HTML इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग अ वेब पेज. HTML आपके वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए होते हैं. It was designed to display data with focus on how data looks. ये आपका data किस तरह से show होता है ये इस पर depend करता है. It is a markup language itself. ये एक markup language होती है. It is a presentation language. ये एक presentation language होती है. It is not case sensitive. ये case sensitive नहीं होती है, यानी कि इसमें आप capital and small दोनों languages का use कर सकते हैं. It has its own predefined text. इसके अपने predefined text होते हैं. It is not a strict if the user does not use the closing text. इसमें ये भी restrictions नहीं है कि अगर आप text को close नहीं करते हो तो आपकी जो HTML की file है वो run नहीं करेगी. It does not preserves white space. इसमें white space preserve नहीं कर सकते आप. Writing HTML documents. To design a web page, you need two things. A text editor like notepad and a type in the text and a browser for viewing the created web page.
आपको HTML का यूज़ करने के लिए आपको दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इज़ टेक्स्ट एडिटर. आपको नोटपैड जो इसे टेक्स्ट एडिटर होता है या किसी ब्राउज़र उसकी ज़रूरत होती है. यू कैन ऑल्सो यूज़ HTML एडिटर्स लाइक फ्रंट पेज और Dreamweaver टू क्रिएट वेब पेज. आप फ्रंट पेज और Dreamweaver नाम के एडिटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं. बट वी शैल बी यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड एंड अ ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर. पर हमने इस चैप्टर में टेक्स्ट एडिटर नोटपैड को लिया है और ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर को लिया है. सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.